ओके, तो हमने अभी क्या देखा कि एक्सोर और एंड के केस में, यानी कि जब जी ओके, सो 0001101 एक्सोर का जो आउटपुट है वो है 0110, और का जो आउटपुट है वो है 0111, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि फॉर दी केस जो एम ऑडिबल, यस सर, ओके, सो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि और के केस में, एक केस में यहाँ पर 0 मिल रहा है और एक केस में यहाँ पर 1 मिल रहा है। और इस केस में दोनों दोनों ही क्या है, यानी कि सेम सेम कंडीशन में है, सेम कंडीशन में है, मतलब ये ऑफ है, यानी कि स्विच 1 अगर ऑफ है, स्विच 2 को भी ऑफ करने के बाद वी विल हैव ऑफ, एंड इन द केस व्हेन वी हैव बोथ आर हाई मींस दोनों ही ऑन हो। सो एक ऑन है और अगर दूसरे को हम दूसरे स्विच को प्रेस करेंगे तो इट विल बिकम, इट शुड बी बिकम ऑफ, सो इट शुड नॉट बिकम ऑन। सो इन दैट केस ये दोनों ही केसेस एलिमिनेट हमें करने होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या मिल रहा है, एक में ऑन मिल रहा है, एक में ऑफ मिल रहा है, सो दिस शुड नॉट बी द केस एंड वी आर ओनली इंटरेस्टेड विथ दिस वन, ओके। यानी कि दोनों स्विचेस अगर सेम कंडीशन में आ जाए, इन दैट केस दे विल रिमेन ऑफ, एंड इन द अदर केसेस व्हेन दे आर अल्टरनेटिवली ऑन और ऑफ, इन दैट केस दे आर ऑन, ठीक है। तो यानी कि अगर स्विच नंबर 1 ऑफ ऑन है या ऑफ है, और हम अगर छत पर जाकर स्विच को ऑन करना चाहते हैं तो हमें ऊपर का स्विच ऑन करना होगा, और इन द केस व्हेन वी हैव फर्स्ट फ्लोर का अगर स्विच ऑफ है और नीचे आकर ऑन करना चाहोगे देन चाहते हैं, इन दैट केस वी विल हैव ऑन इन द केस, ओके। और अगर ऑफ करना हो, यानी कि वी हैव सिंगल कॉम्बिनेशन, मीन्स अगर दोनों सेम कॉम्बिनेशन में हो तो देन वी विल स्विच ऑफ दी, और वी विल चेंज दी स्विच पोजिशन, दैट इज मे बी क्लोज और ओपन, ओके। सो इन बोथ द केसेस वी विल हैव अ ऑफ कंडीशन, ठीक है ना, तब बल्ब नहीं जलेगा। इज इट क्लियर? सर तो आंसर फिर एग्जॉर गेट होगा ना। हाँ, एग्जॉर गेट होगा, क्योंकि एग्जॉर गेट ही जो है वो हमारे मोटो को कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर और गेट के केस में हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर ऑन तो मिल रहा है पर्टिकुलर दो केसेस में, लेकिन तीसरे केस में भी हमें यहाँ ऑन मिल जा रहा है जो कि नहीं मिलना चाहिए। इन दो केसेस में हम अगर ऑन मिल रहा है तो बाकी का जो सेम पोजिशन है, यानी कि दोनों ऑन हो या दोनों ऑफ हो, उस केस में हमें बल्ब ऑफ ही मिलना चाहिए। अगर उसमें भी ऑन मिलने लगेगा देन देयर विल बी अ डिस्क्रिपेंसी, ठीक है ना। तो अगर पहले बीच वाले दो कंडीशन के केस में अगर हमें ऑन मिल रहा है तो बाकी दो कंडीशन के केस में हमें ऑफ ही मिलना चाहिए, जब दोनों स्विच आइदर ऑन हो या आइदर ऑफ हो, ठीक है। सो एक्सऑर विल बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। यस सर, सो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन इसे और करोगे, ओके। लेट अस सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, कैन एनीबडी टेल मी द आंसर? What is given? Diodes D1, D2, D3 are ideal diodes, and inputs E1, E2, and E3 are 0 volt, are 0 volt for logic 0 and 10 volt for logic 1. Yani ki logic 1 hai, iska matlab 10 volt hoga yahan par voltage. Aur agar 0 hai, to 0 volt hoga. ठीक है? What logic gate does circuit represent? Circuit कौन से gate को represent कर रहा है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं?
कि हम लोग वोल्टेजेस का वैल्यू यानी कि लॉजिक 0 और 1 पुट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा है, ठीक है, रजिस्टर है, और यहाँ वी आउटपुट है। तो हम यहाँ आउटपुट हाई कब मिलेगा ये मुझे बताएंगे, यहाँ पे आउटपुट हमें हाई कब मिलेगा? हमें आउटपुट हाई यहाँ तब मिलेगा जब ये गेट, ये जो डायोड्स हैं, इनमें कंडक्शन नहीं हो, ठीक है। अगर इनमें कंडक्शन हुआ तो क्या होगा? अगर इनमें कंडक्शन हुआ तो जो भी यहाँ बैटरी है, द फ्लो विल इन दिस डायरेक्शन, और द फ्लो विल इन दिस डायरेक्शन, और फ्लो फ्लो विल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें आउटपुट में यहाँ पर वोल्टेज 0 मिलेगा। कब? जब इनमें से कोई भी एक अगर डायोड कंडक्ट करने लगे तो हमें 0 मिलेगा। तो ये डायोड कंडक्ट कब करेंगे? जब यहाँ पर का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल से कम हो। अगर इसे हम मान लें पॉइंट एक्स, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पॉइंट एक्स हैं, तो पॉइंट एक्स का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? वाई पोटेंशियल से कम होना चाहिए। सॉरी, ये कंडक्ट कब करेगा? ये डायोड है तो ये कंडक्ट कब करेगा? जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा। तो फॉरवर्ड बायस में कब होगा? जब ये सारे वोल्टेजेस ज्यादा होंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस वोल्टेज, ठीक है। तो ये कब होगा? हमें ये कब मिलेगा ये आउटपुट? कैन एनीबडी टेल मी? डायोड्स कंडक्ट कब करेंगे? ओके, सो लेट अस टेक दी केसेस वन बाय वन। तो हम मान लेते हैं पहले केस में कि ये E1, E2, E3 तीनों 0 है। एक केस मान लें E1, E2, E3 तीनों ही 0 है। अगर तीनों ही 0 है, इसका मतलब क्या होगा? अगर तीनों 0 होंगे तो क्या होगा? यानी कि इधर का वोल्टेज ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बैटरी लगी है यहाँ पर, सो इज ड्यू टू दिस बैटरी द पोटेंशियल ऑफ दीज पॉइंट्स विल बी हायर, इट विल बी एट हायर पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू दिस E1, E2 एंड E3, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? कंडक्शन इस साइड में होगा। अगर कंडक्शन इस साइड में होगा सो देयर विल बी नो एनी आउटपुट एट दी VO। ओके, अगर डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि आउटपुट में हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इन द सेकेंड केस लेट ऑल द E1, E2 आर 1 1 1, वन वन मीन्स व्हाट? अगर वन का लॉजिक वन मान रहे हैं इसका मतलब है कि 10 वोल्ट। लॉजिक वन का मतलब क्या है? 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट है अगर, ओके, अगर ये 10 वोल्ट है और यहाँ पर हमारे पास बैटरी में भी 10 वोल्ट यहाँ पर है, सो दिस डायोड्स विल नॉट कंडक्ट, मतलब ये डायोड्स फॉरवर्ड बायस नहीं होंगे। तब क्या होगा? यहाँ पर कंडक्शन अगर इस साइड में नहीं होगा, सो कंडक्शन कहाँ होगा? देन कंडक्शन इस साइड में होगा। सो वट एवर विद दी वोल्टेज वी हैव हियर, वी विल गेट द सेम वोल्टेज एट दिस पॉइंट ऑल्सो। 10 वोल्ट यहाँ मिलेगा। 10 वोल्ट का मतलब क्या है? वन है। इसका मतलब क्या है कि 0 0 0 के केस में हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, और 1 1 1 के केस में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है। और कोई दूसरा केस चेक करें यहां पर, अगर मान लें 0 1 0 हो तब क्या होगा? ये 0 1 0, ये किसका किसका वैल्यू है? E1, E2, E3 का, और ये है V out। तो हमने ये दोनों केसेस तो देख लिए, 0 0 0 एंड 1 1 1, ये दोनों केसेस देख लिए। 0 1 0 के केस में क्या होगा? सर इन वी नॉट 10 वोल्ट होगा कैसे? फिर, क्योंकि वहां पे फिर कंडक्ट नहीं करेगा ना फिर E2 में, तो देखे, ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। देखे, इसे मैं डिलीट करता हूँ। ओके, अभी हम जो ऑप्शन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं?
जीरो वन जीरो ले रहे हैं, ठीक है। जब जीरो वन जीरो ले रहे हैं तो यहाँ जीरो ले रहे हैं मतलब जीरो वोल्ट, और वन ले रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, दस वोल्ट, ठीक है। और ई वन और ई थ्री जीरो जीरो है, अगर ई वन जीरो है और यहाँ पर का वोल्टेज दस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये टेन वोल्ट है और यहाँ पर वन ओम लगा हुआ है, तो हम इसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल अगर मान रहे हैं, यहाँ पर वन ओम, वन किलो ओम के रेजिस्टेंस पर अगर हम नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप मान रहे हैं, तो यहाँ पर दस वोल्ट है, यहाँ दस वोल्ट है, यहाँ दस वोल्ट है, ये क्लियर है। अगर ये दस वोल्ट, अगर मान लीजिए दस वोल्ट नहीं भी है तो कुछ उससे कम होगा ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप इन वन किलो ओम रजिस्टर, ठीक है। तो हम अगर इसे 10 ही मान रहे हैं तो यहाँ पर E1, तब मुझे बताएं D1 फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, D1 फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा। अगर इस साइड में 10 वोल्ट है और इस साइड में 0 है तो D1 फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। फॉरवर्ड सर। D2 D2 क्या होगा, D2 क्या होगा, जीरो सर, मतलब D2 फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, मैंने क्या कहा था पहले ही, डायोड अगर है तो डायोड के दोनों ही टर्मिनल्स पर अगर सेम वोल्टेज है तो ये फॉरवर्ड बायस नहीं हो सकता है। फॉरवर्ड बायस होने के लिए यहाँ का वोल्टेज हाईर होना चाहिए और यहाँ का वोल्टेज लोअर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, D2 के केस में E2 जो है वो वन वन है, वन लॉजिक वन है, मतलब 10 वोल्ट है, यानी कि ये भी 10 वोल्ट है, इधर भी 10 वोल्ट है, इधर भी 10 वोल्ट है, मतलब ये रिवर्स बायस होगा, मतलब यहाँ से कंडक्शन नहीं होगा और यहाँ से कंडक्शन, ये फॉरवर्ड बायस होगा क्योंकि यहाँ इधर जीरो है इधर वन है। तो अगर इधर कंडक्शन हो रहा है, अगर किसी एक भी डायोड में अगर कंडक्शन हो जाएगा तो हमें आउटपुट वोल्टेज जीरो ही मिलेगा, वी आउट, ठीक है। किसी भी एक डायोड में अगर कंडक्शन हो जाए तो हमें आउटपुट वोल्टेज इधर जीरो मिलेगा, क्योंकि इधर तब करंट आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर हमें शॉर्ट पाथ, शॉर्टेड पाथ मिल रहा है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज यहाँ जीरो मिलेगा, यानी कि जीरो वन जीरो के केस में हमें आउटपुट वोल्टेज जीरो मिलेगा। सॉरी, तो मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी एक डायोड अगर कंडक्ट कर जाता है, अगर फॉरवर्ड बायस हो जाता है, तो सारा का सारा जो करंट है उसी डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा और हमें वी आउट क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि सारे केसेस में हमें जीरो 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 मिलेगा, सिर्फ एक केस में हमें वन मिलेगा जबकि सारा का सारा वन हो। तो ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब सारा इनपुट हाई हो तभी आउटपुट हमें हाई मिले, ये कौन से गेट की प्रॉपर्टी है, फॉर एंड गेट, फॉर एंड गेट की प्रॉपर्टी है। सो दिस विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर, ओके, यस सर। सो आज यहीं तक छोड़ते हैं, इसके बाद भी ये सिंपल क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 3, 1, ओके। अब कुछ क्वेश्चन वैसे बचे नहीं है, सो द लॉजिक गेट इज ओवर। आप लोग क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो, गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तो फिर से पूछोगे, ठीक है। अदरवाइज लॉजिक गेट, यस सर, बोर्ड आंसर की सर, सर वीक में सर एक ही दिन क्लास हो पाता है, तो बहुत सर मतलब वीक के अंदर डाउट होता है, कैसे पूछ सकते हैं, तो जो डाउट रहता है उसे कलेक्ट करके रखो ना एक जगह पर सर, तो फिर आप इधर वो क्लास वाला पढ़ाते हैं ना, तो फिर उसमें मैं कैसे पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो कभी कॉल करके भी बात कर सकते हो, या फिर अगर पर्सनली पूछना है कुछ तो तुम क्वेश्चंस भेज सकते हो, जिस क्वेश्चन में डाउट, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, हाँ क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है, ठीक है सर। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें उसका रिप्लाई करूंगा या तुम्हें बोलूंगा कांटेक्ट करने को, ठीक है, ठीक है सर, ओके। सो लेट अस टर्मिनेट द क्लास, ओके। सो
आई एम एंडिंग द क्लास, थैंक यू।